अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? हम लोग भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और आज हम लोग यहाँ पर इफ्तार की तैयारी कर रहे हैं। आज आपको अपनी इफ्तार की रूटीन बताते हैं। तो आज हम लोग बना रहे हैं चीज़ के समोसे, चने की दाल और कैरमल पुडिंग, दही बड़े, भजिए, बहुत कुछ हम लोग बनाने वाले हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं चीज़ समोसे से। तो ये है पूरी है, ये चीज़ की क्यूब्स है, जो क्रीम चीज़ आती है ना, तो उसके क्यूब्स है ये। तो उसको हम क्या करेंगे, उसे हाफ हाफ में काट लेंगे। फिर से समोसे की फिलिंग के जैसा हम समोसे में से समोसे की जो शीट आती है ना, समोसा रोल जैसे स्विच, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वो शीट जो बताई थी, उसको एक शीट में हम समोसे की तरह से रैप कर देंगे। बस आपका चीज़ समोसा रेडी है। और अब हम बनाने वाले हैं दही बड़े। दही बड़े के लिए हम लोगों ने भजिए फ्राई कर रहे हैं, ये वाले, ये बेसन के भजिए हैं और हम लोग बेसन के भजिए के दही बड़े बनाएंगे। आज लोग माश की दाल के भी बनाते हैं, बेसन के बनाते हैं, लेकिन आज हम लोग बनाएंगे बेसन के दही बड़े। और ये देखिए हमारा दस्तरखान रेडी है। हम लोगों ने तैयारी प्रिपेयर कर ली है। थोड़ी चीज़ें मैं रिकॉर्ड कर सकी, थोड़ी नहीं कर सकी क्योंकि टाइम नहीं था, तो हमको जल्दी जल्दी प्रिपेयर करना था और कोई मेरे साथ नहीं था जो उसकी वीडियो ले सके। तो इसीलिए सॉरी अगर आपको किसी चीज़ की रेसिपी अगर नहीं मिल सकी। तो ये तो बेसिक चीज़ें हैं, आई एम श्योर कि आप लोग को सबको ये आती होगी ये रेसिपी। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कैरमल पुडिंग। ये तो यहाँ पे सऊदी में मिलता है, तो इसीलिए हम इसे भी बनाते हैं आज, कैरमल पुडिंग में बनाते हैं। तो इसे 575 ml मिल्क में हमें ये वाले सैशे को डालना पड़ता है। तो पहले हम इसके लिए हम इसे बॉईल कर लेंगे, 575 ml मिल्क बॉईल कर लेंगे। एक बॉईल आने के बाद उसे सिम कर देंगे, उसके बाद में हम ये सैशे डालेंगे इसमें और स्टिर करते रहेंगे एक दो बॉयल आने तक, या फिर 1-3 मिनट तक हम इसे पकाएंगे। पकाने के बाद हम क्या करेंगे, उसे उसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। और फिर इसे फ्लेम ऑफ करने के बाद हम फिर इसे 2 मिनट रेस्ट करने देंगे। इसे ऐसे ही छोड़ देंगे 2-3 मिनट के लिए। फिर उसके बाद हम इसे ट्रांसफ़र कर देंगे इसमें बॉल में, और फिर इसे हम 1-2 घंटे के लिए सेट होने रख देंगे हम इसे फ्रिज में, और इसे हम ठंडा सर्व करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अब फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।